सभी स्टूडेंट्स का क्लास के समय जो है कैमरा ओपन होना चाहिए और अपने नाम से एंट्री होनी चाहिए। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, आपको सीधा रिमूव कर दूंगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं सभी का कैमरा थ्रू आउट द क्लास खुला रहना चाहिए और मुझे स्क्रीन पे विजिबल होने चाहिए। ठीक है, आशीष दोबारा मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, रोज क्लास में मुझे ये चीज जो है अनाउंस ना करनी पड़े। आप पहले ही अपने कैमरे ओपन करके बैठे हैं। आशीष और आरिफ, चलो कोई बात, ठीक चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और इसमें आप लोग को कई प्रकार का जो है ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे कि आपके पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है और आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और अगर ट्रांसमिशन लाइन की आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करने का मतलब कौन सी ट्रांसमिशन लाइन अच्छी कहलाएगी कौन सी ट्रांसमिशन लाइन बुरी कहलाएगी, उसके लिए आपको जो है उसका इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो उसकी परफॉर्मेंस जो मेजर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के तौर पे दो चीजें हमेशा कैलकुलेट की जाती है ट्रांसमिशन लाइन में, एक तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी कितनी है ट्रांसमिशन लाइन की और दूसरा उसमें वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रांसमिशन इफिशियंसी अच्छी है, एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, पावर को ट्रांसमिशन करने की जो इफिशियंसी होगी वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अगर ज्यादा है या फिर ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा है तो लाइन आपकी ज्यादा पावर को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, और अगर ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा है तो उसमें लॉसेज क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, दूसरा अगर बात किया जाए दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन को भी समझेंगे कि क्या है, कि जब भी आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को लो लोड से फुल लोड पे लेके आएंगे तो आपके रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है उसमें चेंज मिलेगा, और ये जो चेंज है जितना कम से कम होगा उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना है। ठीक है, और ये सब चीजें समझने से पहले कुछ बेसिक पैरामीटर आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तो ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली जो है लोग केवल मॉडल बताते हैं डायरेक्टली और उसके बाद जो है चीजें कैलकुलेट करने स्टार्ट करा देते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन लोगों को समझ में कम आता है और लोग जो है जनरली क्या कर देते हैं, टॉपिक को स्किप कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में वो सारी की सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी, उसका केवल एक ही ऑप्शन रहेगा कि फिर आपको रटना पड़ेगा और फिर रट के चीजें करेंगे। तो हम लोग सारी चीजें बेसिक से पढ़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें होने वाली है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में मैं कई सारे आपको चीजें बताऊंगा कि पावर कैसे ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग पावर के फार्मूले लिखे तो वो कैसे आते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पर लिंक होंगी। ठीक है, आपका वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो सारी की सारी चीजें आप जो है इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सबसे बेसिक चैप्टर है ट्रांसमिशन लाइन को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक द हेडिंग दैट इज मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग सीख रहे हैं और कौन सी मॉडलिंग करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं। अगर आप जो है ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं, तो उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। और ट्रांसमिशन लाइन का जब भी हम इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे ये आपको चीजें समझनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, दैट इज हेडिंग इज मॉडलिंग
मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस, मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसमिशन लाइन का क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। और कौन सा मॉडल बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाएंगे। तो पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बेसिक से सारी चीज समझते जाइएगा, मैं आपको सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ के पढ़िएगा, आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और घबराना नहीं है, क्योंकि अब जो है जो पावर सिस्टम है, असली पावर सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितनी भी चीजें थी उनमें थ्योरी ज्यादा थी, न्यूमेरिकल चीजें कम थी, लेकिन अब जो पावर सिस्टम आगे पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा होंगी, समझने वाली चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फॉर फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस, फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस, फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, वी विल मेक द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल, वी विल मेक द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल, वी विल मेक द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। जो मैंने बात लिखी उसको समझ लीजिए कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको आपके दैट इज ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो जनरेशन होता है, ठीक है, जनरेशन हम लोग क्या करते हैं, जो है लोड सेंटर से काफी दूरी पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ये सारे के सारे जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो पहाड़ियों में बनाया जाता है, हिल स्टेशन बनाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे वहां पर हिल स्टेशन में क्या होता है कि डैम की जो कॉस्ट होती है कम होती है, दो साइड से आपको पर्वत का सहारा मिल जाता है, एक साइड से दीवार खड़ा करके डैम क्या कर लेते हैं, बना लेते, तो वहां पर डैम की कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो जनरली जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो हिल स्टेशन पे मिलते हैं, ठीक है। वहीं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात किया जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि वहां पर हम लोग कंट्रोल चेन रिएक्शन कराते हैं, अगर कभी मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई और चेन रिएक्शन अनकंट्रोल मैनर में हुई तो वहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज एटम बम की तरह आपका जो है विस्फोट हो सकता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में। तो सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि वहां रेडिएशन भी निकलते हैं, सेफ्टी पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, सारे जो प्लांट्स होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वो लोड सेंटर से काफी दूरी पे होते हैं। तो जनरेशन को हम जो है क्या करते हैं, काफी दूरी पे करते हैं। अब पावर को जनरेट करने के बाद उस पावर को कंज्यूम कराने के लिए उस पावर को आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, लोड सेंटर या फिर कंज्यूमर के पास भेजना पड़ेगा। तो जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, फिर भेजने के लिए जो कंडक्टिंग वायर यूज किया जाता है, जो कंडक्टिंग वायर यूज किया जाता है, उसी कंडक्टिंग वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग जनरली ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन आपके क्या होते हैं, दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, या फिर कंडक्टिंग वायर होते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, आराम से समझते जाइएगा। मुझे इस चैप्टर के लिए टू पोर्ट नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते जाइएगा, सारे के सारे वीडियो आपके जो है लिंक में पड़े हुए हैं, आप जो है सर्च करेंगे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ वीडियो हाइड है, लेकिन सारे वीडियो मैंने ओपन कर रखे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इन जनरल
जनरेटिंग स्टेशन इन जनरल द जनरेटिंग स्टेशन इन जनरल द जनरेटिंग स्टेशन आर फॉर अवे मीन होता है दूर होगा फॉर अवे फ्रॉम द लोड सेंटर फॉर अवे का मतलब दूर होगा ठीक है दूर होगा ठीक है फ्रॉम द लोड सेंटर फ्रॉम द लोड सेंटर या फिर आप बोल सकते हैं कंज्यूमर ठीक है फ्रॉम द लोड सेंटर और कंज्यूमर ठीक है देयरफोर आपके जो जनरेटिंग स्टेशन है वो लोड सेंटर पे दूरी पे होते हैं देयरफोर मतलब इसलिए therefore to transfer the power from the remote generating station remote means dur from remote generating station स्टेशन टू द लोड सेंटर टू द लोड सेंटर वी यूज ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन किस लिए यूज किया जाता है ये आपको क्लियर होना चाहिए वी जनरली यूज ट्रांसमिशन हम लोग जनरली ट्रांसमिशन वी यूज ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन क्यों यूज करते हैं आपकी पावर को ट्रांसफर करने के लिए कहां से रिमोट जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसफर करने के लिए जनरेटर को क्या यूज करते हैं ट्रांसमिशन यूज करते हैं और ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा होता है ठीक है ट्रांसमिशन का मेन मकसद है वो भी हम जनरेटिंग स्टेशन पे जो भी पावर जनरेट कर उस पावर को लोड सेंटर तक ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं ट्रांसमिशन यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किया जाता है ठीक है नेक्स्ट बात लिखने जा रहा हूं जनरली ट्रांसमिशन इज डन by using the transmission line ठीक है जनरली जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन लाइन द्वारा क्या किया जाता है by using the transmission ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे केबल नेक्स्ट हेडिंग डालिए केबल चलिए तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ठीक है ट्रांसमिशन लाइन की जो होती है वो एक प्रकार की केबल होती है अब केबल की डिफिनेशन अगर बात किया जाए तो जनरली आपकी जो केबल की डिफिनेशन होती है केबल आपका जो है क्या होता है केबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन कंडक्टर और मोर देन वन कंडक्टर केबल आपका क्या होता है केबल कॉम्बिनेशन होता है एक कंडक्टर का या फिर मोर देन वन कंडक्टर का Which can carry the electrical signal, ठीक है? तो अगर मैं केबल की डिफिनेशन लिखना चाहूँ तो केबल क्या है केबल आपका जो है ये कॉम्बिनेशन हो सकता है केबल के अंदर एक कंडक्टर भी हो सकता है फिर एक से ज्यादा कंडक्टर भी हो सकते हैं और बेटा केबल का मेन मकसद होता है इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करना ठीक है तो ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार की क्या है बेटा जैसे ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली केबल से ओरिजिनेट हुई है किससे ओरिजिनेट हुई है केबल से ओरिजिनेट हुई है
और ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार की स्पेशल केबल होती है जो क्या करती है, अल्टरनेट क्वांटिटी को क्या करती है, कैरी करती है, एसी क्वांटिटी को कैरी करती है इसमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इन द ट्रांसमिशन लाइन? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक स्पेशल प्रकार की क्या होती है, केबल होती है जो कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को या फिर एसी क्वांटिटी को क्या करती है, कैरी करती है एज ए डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। ट्रांसमिशन लाइन में जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर जो हम ट्रांसफर करेंगे वो कितनी फ्रिक्वेंसी का होगा, 50 हर्ट्ज का होगा। ये नहीं कि 100 हर्ट्ज हो जाए लाइक समथिंग, जो भी जिस देश की डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी होती है उसी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पे एसी सिग्नल को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, तो लिखिए जरा केबल के डेफिनेशन है। केबल एक प्रकार आपका जो है, केबल क्या होता है, केबल के अंदर हम लोग जब केबल चैप्टर पढ़ेंगे पावर केबल, तो मैं आपको बताऊंगा कि दैट इज सिंगल कोर की केबल भी होती है, थ्री कोर की केबल भी होती है। मतलब केबल के अंदर एक कंडक्टर भी होता है, एक से ज्यादा कंडक्टर भी होता है, और केबल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज ए केबल। ठीक है, केबल हेडिंग डालिए और इस पे लिखिए, लिख रहा हूं केबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, केबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कंडक्टर केबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कंडक्टर और मोर देन वन कंडक्टर। मोर देन वन कंडक्टर विच कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि कैसे सिग्नल को कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। ये केबल की जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें भी एक या फिर एक से ज्यादा कंडक्टर हो सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो आपका जो है जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक प्रकार का क्या है, दैट इज केबल है। ठीक है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन इज बेसिकली बेसिकली ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केबल। जो ट्रांसमिशन लाइन है वो केबल से ही क्या हुई है, बनाई गई है, या फिर एक प्रकार की क्या है, ओरिजिन, जो इसका ओरिजिन है वो क्या है, केबल। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार की केबल है और एक स्पेशल प्रकार की केबल है जो कि एसी सिग्नल को कैरी करती है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी में। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट में आप टीएल लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन इज ए ट्रांसमिशन लाइन इज ए ट्रांसमिशन लाइन। आसिफ तुम्हारा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं अगर बाहर कर दूंगा तो ज्वाइन नहीं हो पाओगे, फिर नहीं कहना। ट्रांसमिशन लाइन इज ए स्पेशल टाइप, ट्रांसमिशन लाइन इज स्पेशल टाइप ऑफ केबल। बंद करके पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़े आपको, केबल विच कैरी विच कैरी द अल्टरनेट क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी आपकी ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार की स्पेशल केबल है जो कि अल्टरनेट क्वांटिटी मतलब एसी क्वांटिटी को क्या करती है, कैरी करती है एसी सिग्नल को। एसी सिग्नल, सिग्नल बोलिए फिर क्वांटिटी बोलिए, बात देखते हैं। विच कैरी द एसी सिग्नल, एसी सिग्नल बोलिए या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हैं, और
इलेक्ट्रिकल पावर, चलो इलेक्ट्रिकल पावर लिख दे, इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच कैरी द अल्टरनेट क्वांटिटी और इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट ए डिजायर्ड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ केबल विच कैरी द अल्टरनेट क्वांटिटी या फिर एसी क्वांटिटी और इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट ए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज ए 50 हर्ट्ज। चलिए अब ट्रांसमिशन लाइन में डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये तो मैंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार की केबल है जो कि एसी सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, कैरी करेगा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के डेफिनेशन क्या है। ट्रांसमिशन लाइन के डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, एक लिंक होगा, ठीक है, कंडक्टिंग लिंक होगा, किसके किसके बीच का कंडक्टिंग लिंक होगा, जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर के बीच का, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन लोड सेंटर के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट द लिंक बिटवीन द टू बसेस, एक तो जनरेटिंग स्टेशन वाली बस होगी, एक तो लोड सेंटर की बस होगी, इन दोनों के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक होगा उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। कंडक्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तो आप कोई सा भी कंडक्टर, कोई भी ये नहीं कि इंसुलेटर लगाते, आपका ट्रांसमिशन इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपका उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी देखेंगे कौन कौन से मटेरियल यूज करते हो और जब भी ट्रांसमिशन लाइन किस मटेरियल से बनाई जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है, दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन, समझिएगा मैं फिगर से समझाऊंगा। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास एक जनरेटिंग स्टेशन होता है जो कि आपका जो है क्या होते हैं, होते हैं मतलब लोड सेंटर से काफी दूरी पे होते हैं, ठीक है, नॉर्थ से नथिंग बढ़ता, मैं फिगर बना रहा हूँ समझिएगा। जैसे जो जनरेटर या फिर जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटर और जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, लो वोल्टेज लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। अब जनरेटिंग स्टेशन या फिर जनरेटर, ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जनरेटर के पास जो है बस, जनरेटिंग स्टेशन जिस बस या फिर जो जनरेटर होता है, जनरेटिंग स्टेशन जनरेटर होगा जिस ग्रिड से कनेक्ट होगा या फिर जिस बस से कनेक्ट होगा उसको हम लोग जनरेटिंग बस बोलेंगे, या फिर उस बस से हम लोग पावर को क्या करते हैं, भेजते हैं, उसको हम लोग सेंडिंग एंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका जनरेटर है जो कि इस बस से कनेक्ट होगा, ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, पावर को भेजना स्टार्ट करें, ठीक है। तो दैट इज जनरेटर के पास जो बस होती है जिससे जनरेटर कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जनरेटिंग जनरेटर बस भी बोल सकते हैं, इसका नाम है दैट इज नोन एज ए जनरेटर बस, जनरेटर बस, या फिर इसको हम लोग सेंडिंग इन बोल सकते हैं, यहां से हम पावर भेजते हैं, इस यहां से पावर भेजना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंडिंग इन, सेंडिंग इन, और इसको हम लोग जनरेटर इंड भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरेटर इंड, जनरेटर, ठीक है। तो लेकिन मेनली जो है इसको हम लोग जो है सेंडिंग इन बोलेंगे, यहां से हम पावर को भेजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर लोड होगा, दैट इज नथिंग बट द, दिस इज योर
लोड सेंटर। दिस इज योर लोड सेंटर, ठीक है। इस बस से लोड कनेक्ट होगा, ठीक है, इस बस से लोड कनेक्ट होगा। ठीक सुनते जाइएगा, हर जगह ये चीजें यूज होंगी पूरे चैप्टर। यहां पर मैं लोड को कनेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा दैट इज, यहां पर इस बस पे लोड कनेक्ट होगा, तो इस बस को मैं बोलने वाला हूं दैट इज नोन एज ए लोड बस। इसको भी मैं पीर को सही से बना देता हूं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा नाम है, ठीक है। दिस इज, ये आपका जो है लोड बस है, यहां पर इस बस से लोड कनेक्ट होगा, ठीक है। लोड बस का मतलब है कंज्यूमर वाली बस, इसको बोलेंगे लोड बस। और जनरली इसी को हम बोलते हैं रिसीविंग एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी नाम को मैं यूज करूंगा जितना। रिसीविंग एंड, या फिर इसको बोल सकते हैं लोड, लोड, ठीक है। यहां से मैं लोड को कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ दिस इज द लोड, ये लोड है या फिर कंज्यूमर। दिस इज लोड। तो जनरेटिंग स्टेशन ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज सेंडिंग इन या फिर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। दैट इज जनरेटिंग स्टेशन और ये लोड सेंटर। जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक होता है, क्या होता है, कंडक्टिंग लिंक, ठीक है। मैं इन दोनों इंड को क्या करने वाला हूँ, एक कंडक्टर के थ्रू क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक होगा, उस कंडक्टिंग लिंक को क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पावर को ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूँ, एक कंडक्टिंग लिंक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन बी यूज द कंडक्टिंग लिंक, और मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, ये कंडक्टिंग लिंक, ठीक है। दिस इज द कंडक्टिंग लिंक, दिस इज द कंडक्टिंग लिंक, ठीक है। इसी कंडक्टिंग लिंक को, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसी कंडक्टिंग लिंक को हम बोलते हैं दैट इज द ट्रांसमिशन। ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, दिस इज योर ट्रांसमिशन। ये ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है, ये आपकी ट्रांसमिशन है। दिस इज योर ट्रांसमिशन, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन के अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, तो ट्रांसमिशन लाइन की डिफिनेशन क्या है, इट इज नथिंग बट द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर, या फिर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, हेलो, सेंडिंग एंड और रिसीविंग को ज्वाइन करने वाला जो कंडक्टिंग लिंक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं इसके डिफिनेशन भी लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द ग्रीन कलर से लिखेंगे इसकी डिफिनेशन, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन इज द लिंक, कंडक्टिंग लिंक लिख देता हूं, कंडक्टिंग लिंक इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन
एंड लोड सेंटर, लोड सेंटर या फिर रिसीविंग एंड भी बोल सकते हैं, लोड सेंटर ठीक है। या फिर हम इसको इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो दो बस के बीच का लिंक होता है। एक कौन सी बस होती है, दैट इज जनरेटिंग एंड होती है, और दूसरा आपका दैट इज लोड एंड होता है। तो इन दोनों बस के बीच का, हेलो, जनरेटर बस एंड लोड बस के बीच का कंडक्टिंग लिंक, तो दो बस के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और करके मैं लिख देता हूँ एक और डेफिनेशन, और करके ट्रांसमिशन लाइन इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द टू बसेज, बिटवीन द टू बसेज। ये भी डेफिनेशन आप लोग कई बार क्या करते हैं, देखने को पाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है ट्रांसमिशन लाइन। इतना फिगर बना लीजिए, बीच में और भी कुछ चीजें मेंशन करता हूँ। अब बात करेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसकी परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाएंगे। और जब हम ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करने के लिए हम लोग चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं, या फिर चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की हेल्प लेते हैं। वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या क्या होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस और चौथा आपका कंडक्टेंस, ठीक है। इन चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते हैं। अब जो है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जब उसकी मॉडलिंग करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज किए जाए। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के इलेक्ट्रिकल मॉडल में हम लोग आपकी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही केवल कंसीडर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही कंसीडर करेंगे शॉर्ट ट्रांस जो करते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें विजुलाइज करा दूंगा जो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते समय आर और एल यूज करते हैं। उसी तरह जब मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करूंगा तो मैं ट्रांसमिशन लाइन के तीन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करूंगा, एक तो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस और तीसरा ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस। और जब आप जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करेंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जब इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊंगा तो मैं ट्रांसमिशन लाइन के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को यूज करूंगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करूंगा, मेजर करूंगा, ठीक है। तो हम जनरली अगर बात किया जाए कि जब भी मैं ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करूंगा तो मुझे कितने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे, किसी में दो यूज करने पड़ेंगे, किसी में तीन करने पड़ेंगे, किसी में चार। तो जनरली अगर बोला जाए कि ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते समय आपको चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। और ये जो चारों के चारों जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं, ये पूरी की पूरी लेंथ में, ट्रांसमिशन लाइन की पूरी की पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली, मतलब रेजिस्टेंस एक जगह नहीं होगा, हर जगह पे रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस, हर जगह पे रेजिस्टेंस, पूरी पूरी लेंथ में रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इंडक्टेंस भी पूरी पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए, रेजिस्टेंस जब हम सर्किट थ्योरी की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल नहीं बनाते हैं, ठीक है। कौन सा मॉडल बनाते हैं, कंसंट्रेट, पूरी लाइन का रेजिस्टेंस एक जगह पे क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो है अपने ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब हम कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी समझना पड़ेगा। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं उसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस को एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं, इंडक्टेंस को भी एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब मॉडल बनाएंगे,
वहां पर हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे होगा चीजें, ठीक है, लेकिन मेरी बातें सुनते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या करने वाले। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग जब हम करेंगे तो हमें चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, आर एल सी जी। और ये जो चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, ये आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होंगे थ्रू आउट द लेंथ। ट्रांसमिशन लाइन के हर जगह पे रेजिस्टेंस होगा, हर जगह पे इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। और जब भी पैरामीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उनको पर यूनिट लेंथ में डिवाइड क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। मतलब रेजिस्टेंस आपको कितनी लेंथ का दिया होगा, 1 मीटर लेंथ का दिया होगा। अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस में आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरी पूरी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? जब भी मैं ट्रांसमिशन लाइन में जब भी मुझे ट्रांसमिशन लाइन का मॉडलिंग करना होगा तो चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आप यूज करेंगे, लेकिन ये जो चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस भी हर जगह पे होगा, इंडक्टेंस भी होगा, इसलिए जब भी ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, इसलिए जब भी ये दिए होंगे तो पर यूनिट लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस 1 मीटर, 1 किलोमीटर लेंथ का दिया होगा, इंडक्टेंस भी आपको 1 किलोमीटर लेंथ का दिया होगा, कैपेसिटेंस भी 1 किलोमीटर लेंथ का दिया होगा, और कंडक्टेंस भी 1 किलोमीटर लेंथ का दिया होगा। पर यूनिट लेंथ मतलब 1 किलोमीटर। अब ट्रांसमिशन लाइन मीटर में थोड़ा होती है, किलोमीटर में होती है, 80 किलोमीटर की होती है, 100 किलोमीटर की होती है, 150 किलोमीटर की होती है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, और ये पर यूनिट लेंथ के हिसाब से क्या होंगे, डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूँ, जब भी मैं इस ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा तो इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊंगा। इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाने के लिए मुझे ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करने के लिए चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे, और चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या होंगे, दैट इज आर एल सी एंड दैट इज, ठीक है। चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, जब भी मैं ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करूंगा तो चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। दी जाता है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। और चूंकि ये जो चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए जब भी ये डिफाइन किए जाते हैं या फिर दिए होते हैं तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से दिए होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा। तो यूनिट जो होगी इसकी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होंगे, आर आपका एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जो यूनिट होगी रेजिस्टेंस जब भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, ओम पर किलोमीटर। इंडक्टेंस जब दिया जाएगा भी पर यूनिट लेंथ में दिया जाएगा, दैट इज इंडक्टेंस की यूनिट होगी हेनरी पर किलोमीटर, कैपेसिटेंस यूनिट होगी फैरेड, फैरेड पर किलोमीटर, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, मोह या फिर सीमेंस पर किलोमीटर, ठीक है। ये आपके जो है ऐसे दिए होंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फिगर बनाते जाए मेरे साथ, जो मैं लिखता जा रहा हूं लिखते जाइए। अब देखो जो सेंडिंग एंड, ये आपका जो है जिसको मैं जनरेटर पर बोल रहा हूं, या फिर ये आपका सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम लोग वीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेरा ये जो सेंडिंग एंड है इसको हम सेंडिंग एंड बोलेंगे, और लोड वाली जो बस होगी या फिर लोड इन जो होगा उसको हम रिसीविंग एंड बोलेंगे। सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम लोग वीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वीएस से। सेंडिंग एंड वोल्टेज को मैं वीएस से रिप्रेजेंट करूंगा, और बेटा रिसीविंग एंड वोल्टेज को मैं वीआर से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड वीआर। रिसीविंग एंड वोल्टेज को मैं वीआर से, सेंडिंग एंड वोल्टेज को मैं वीएस से रिप्रेजेंट करूंगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज को मैं वीआर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जनरली ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा वो रिसीविंग एंड वोल्टेज से बड़ा होगा, जनरली मैंने बोला जनरली, लेकिन एक इफेक्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट जो है किस किस लाइन में होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ऑकर करता है या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ऑकर होता है। जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन या फिर लाइट लोड कंडीशन में यूज करते हैं तब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से बढ़ जाता है, तो एक वो पर्टिकुलर केस है। लेकिन ज्यादातर केस में या फिर 99% केस में जो, क्योंकि हम पावर यहां से यहां भेज रहे हैं, तो दैट इज पावर जो होती है दैट इज नथिंग बट द, वो हाई वोल्टेज लेवल से लो वोल्टेज लेवल की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है।
दैट इज नथिंग बट द रिएक्टिव पावर। लेकिन ये जो चीज मैंने बोली है रिएक्टिव पावर के लिए वैलिड होती है, और जो आपकी एक्टिव पावर होगी वो हाई लोड एंगल से लो लोड एंगल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो इस एंगल को हम जीरो मानते हैं और एंगल पॉजिटिव होता है, तो दैट इज नथिंग, उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर जनरली ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन वोल्टेज होगा वो रिसीविंग इन वोल्टेज से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बात भी लिख रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन में इन जनरल अगर लिखा जाए, इन जनरल, इन जनरल इन ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग इन वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, जब भी मैं बार लगाऊंगा तो मतलब मैं फेजर के बारे में बात कर रहा हूं, बार नहीं लगाऊंगा तो मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन रिसीविंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज से बड़ा होगा, ठीक है। जनरली ये स्टेटमेंट मैंने जनरली लिखा है कि जनरली सेंडिंग इन वोल्टेज जो होता है वो रिसीविंग वोल्टेज से बड़ा होता है। जैसे मान लो ये 230 है, फिर 220 होगा या फिर 210 होगा, ठीक है। ये बताइए अगर सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज से बड़ा है तो जो वोल्टेज में कमी आ रही है, मान लो सेंडिंग इन वोल्टेज 230 है, रिसीविंग वोल्टेज आपका 210 है, तो ये 20 वोल्ट कहां गया? 20 वोल्ट जो होगा वो लाइन में ड्रॉप में जाएगा, और अगर लाइन में ड्रॉप हुआ तो दैट इज लाइन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। करंट की वजह से लाइन में क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? लॉस विल बी एसोसिएटेड। तो आप देखेंगे जनरली सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज से बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये 230 वोल्ट है तो ये 210 वोल्ट होगा, जिसकी वजह से अगर सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज से बड़ा है तो बेटा आपका ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? ड्रॉप होगा। और इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो दैट इज ट्रांसमिशन लाइन से क्या एसोसिएटेड होगा? पावर लॉस, ठीक है। पावर लॉस कैसे निकालेंगे? दैट इज मान लीजिए डेल्टा वी लॉस हुआ तो दैट इज डेल्टा वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, इतना लॉस होगा। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक्टिव पावर के लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर ड्रॉप है डेल्टा वी, ठीक है, तो लॉस क्या होगा? दैट इज डेल्टा वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो दैट इज अगर लाइन में ड्रॉप हुआ तो लाइन में क्या होगा? उसकी वजह से लॉस होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि जनरली ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज से बड़ा होगा, जिसकी वजह से अगर ये वोल्टेज से बड़ा है तो कुछ ड्रॉप होगा ट्रांसमिशन लाइन में, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा? ड्रॉप होगा। अगर ये 230 है तो ये 210 है, तो ट्रांसमिशन लाइन में 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो अगर दोनों बराबर होंगे, मान लो ये 210 है और ये भी 210 है, तो क्या ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप होगा क्या? तब ड्रॉप नहीं होगा। अगर दोनों वोल्टेज बराबर होंगे तब तो ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज बड़ा होता है रिसीविंग इन वोल्टेज से, तो जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा? ड्रॉप होगा। मैं लिख रहा हूँ दैट इज ये स्टेटमेंट ने लिखा, जनरली ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन वोल्टेज है रिसीविंग वोल्टेज से बड़ा है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस क्या होगा? ड्रॉप होगा। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन। जनरली ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, जनरली प्राय, और अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? पावर लॉस होगा। और अगर पावर लॉस होगा ज्यादा, जितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ज्यादा पावर लॉस होगा, जितना ज्यादा पावर लॉस होगा उतनी ही शक्ति क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। यहाँ मैं जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ, दैट इज नथिंग बट आपका जो है वन बाई वन करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज लिख लीजिए, जो आपके पास तो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए पर यूनिट लेंथ में डिफाइन होते हैं। इस चीज को लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइन की जब हम मॉडलिंग करेंगे तो मॉडलिंग करने के लिए चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे, और ये जो चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, आज जो है पेन ठीक नहीं चल रहा, अभी तक तो ठीक चल रहा था, दैट इज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर अक्रॉस, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लाइन की पूरी पूरी लेंथ में ये एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और अगर पैरामीटर एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमेशा पर यूनिट लेंथ में डिफाइन होंगे। एंड दे आर डिफाइंड, डिफाइंड मतलब जब इनकी वैल्यू दी हो, डिफाइंड डिफाइंड इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ, मतलब एक किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा, एक किलोमीटर लेंथ का इंडक्टेंस दिया होगा, कैपेसिटेंस दिया होगा, कंडक्टेंस दिया होगा। अभी मैं सारी चीजें आपको लिखवा देता हूँ वन बाई वन करके, जितनी चीजें मैंने फिगर में मेंशन की वो सारी चीजें वन बाई वन करके स्टेटमेंट में लिख लीजिए, जैसे कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा फिगर। अभी मैं काफी सारी चीजें आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, तब जाके आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होना स्टार्ट होंगी धीमे धीमे। एकदम से आप जो है सारी चीज नहीं जान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से लिख लिया, आगे चलते हैं। चलिए पहला पॉइंट लिख रहा है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखी थी, ट्रांसमिशन लाइन चलिए तो लिख रहा हूं यहां पर, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन इज द
चलो यहां से लिखते हैं, चलो यहां से लिख रहा हूं मैं, फैलना नहीं चाहिए यहां से। चलो ठीक है, प्राणियों ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन इज द चलिए अब नहीं फैल रही ट्रांसमिशन लाइन इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन, बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपके दो बसेज के बीच का कंडक्टिंग लिंक होता है। और करके आप लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द टू बसेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, इन द मॉडलिंग इन द मॉडलिंग, जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाऊंगा, इन द मॉडलिंग ऑफ द ट्रांसमिशन, इन द मॉडलिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वी विल यूज फोर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, वी विल यूज फोर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर दैट इज रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इन दी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल, इन द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या हो रहा है आज,
इलेक्ट्रिकल एक मिनट, 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, इन द मॉडलिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वी विल यूज द 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। ठीक है, 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे, आर एल सी एन जी, इन द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। इन द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाऊंगा तो ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को बना, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते समय 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर भी आप यूज करेंगे, आर एल सी टी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक मॉडल में ये चारों हो, कुछ के मॉडल में आर और एल यूज आएंगे, कुछ के में आर एल सी, और बेटा कुछ के में चारों चारों पैरामीटर क्या करेंगे, यूज करेंगे, किस मॉडलिंग में क्या यूज करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन की जब हम मॉडलिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं। ठीक है, एंड 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 डीज एंड डीज ऑल द 4 एंड डीज ऑल द 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और ये जो 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, एंड टीच ऑल द 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आर यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स थ्रू आउट द, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है उसमें पूरी एक समान तरीके से रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। Therefore, और ये चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं तो वह हमेशा पर यूनिट लेंथ ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। Therefore, या फिर हेंस, इस वजह से हेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हेंस डी ऑल डीज, ऑल फोर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आर डिफाइंड इन पर यूनिट, मतलब जब भी आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का, तो 1 किलोमीटर लेंथ का दिया जाएगा, और मान लो अगर टोटल लेंथ आपको मालूम है 80 किलोमीटर है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडक्टेंस भी 1 किलोमीटर लेंथ का दिया जाएगा, कैपेसिटेंस भी, और कंडक्टर भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, इन दी ट्रांसमिशन, इन दी ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज जिसको कि मैंने रिप्रेजेंट किया है वीएस से, इज ग्रेटर देन द रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया वी आर से, ठीक है। आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है वो रिसीविंग वोल्टेज से जनरली बड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर सेंडिंग इन वोल्टेज बड़ा है, रिसीविंग वोल्टेज कम है, तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप के तौर में जाएगा, ठीक है। सो दैट वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ऑकर्स, ऑकर्स अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन, ऑकर्स अक्रॉस का ट्रांसमिशन, और अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ट्रांसमिशन लाइन से क्या इश्यू फिट होगा, पावर लॉस। देयरफॉर द पावर लॉस, देयरफॉर द पावर लॉस इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन जुड़ा होना, एसोसिएटेड विद दी ट्रांसमिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो किस मटेरियल के बनी होती है, कंडक्टिंग मटेरियल के। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिखा है कि ट्रांसमिशन लाइन एक कंडक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में लिख रहा हूं, द ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ
इज अ मेडअप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पे कौन कौन से मटेरियल होते हैं उस पर बात करें। ये मैंने ये नहीं बोला कि ट्रांसमिशन लाइन किस मटेरियल की बनी होती है, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, और कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख रहा हूँ, कंडक्टिंग मटेरियल के एग्जाम्पल, कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो कॉपर अवेलेबल है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कॉपर जिसको हम सीयू बोलते हैं, दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसको हम एल बोलते हैं, नेक्स्ट सिल्वर भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, सिल्वर को हम बोलते हैं एजी, और गोल्ड भी, एंड गोल्ड, गोल्ड को हम बोलते हैं एयू एक्सेट्रा। ये हमारे पास चार अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सारे कंडक्टिंग मटेरियल में कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, इन चारों कंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की। तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन से, एमएम, एमएम मतलब बीच में, एमएम ऑल द फोर कंडक्टिंग मटेरियल, ये जो ऊपर चार मैंने कंडक्टिंग मटेरियल लिखे हैं, सिल्वर, सिल्वर मतलब एजी, इज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होने के बावजूद सिल्वर के बाद किसकी कंडक्टिविटी होती है, गोल्ड की होती है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिल्वर और गोल्ड की नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ट्रांसमिशन लाइन अगर सिल्वर और गोल्ड की आप बनाने लगेंगे तो आपकी ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी, और अगर ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी तो ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग कहाँ से वसूलते हैं, बिल से वसूलते हैं, तो आपका जो है पर यूनिट कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की काफी ज्यादा हो जाएगी, तो लोग कभी पावर कंज्यूम करेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली और इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में तो सिल्वर और गोल्ड की अगर ट्रांसमिशन लाइन बना दो तो आज टांगोगे तो कल गोल्ड हो जाएंगे, काट के लोग ले जाएंगे, माला माल हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है कि इंडिया में चोर लोग बहुत हैं, इसलिए आपका जनरली ट्रांसमिशन लाइन आपका सिल्वर और गोल्ड की नहीं बनाते। तो जनरली हम लोग जो है जो ट्रांसमिशन लाइन है के लिए हमारे पास दो ही मटेरियल अवेलेबल है, या तो कॉपर की बनाएंगे या तो एल्यूमिनियम की बनाएंगे। अब कॉपर और एल्यूमिनियम में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है एक तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, कॉपर से कम होती है, और दूसरा ये हल्का होता है और ये भारी होता है। अगर भारी कंडक्टर का तुम ट्रांसमिशन लाइन बनाओगे तो तुम्हें टावर मजबूत बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो हल्का होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि अगर तुम जो है एक ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहा है वो उसका रेजिस्टेंस और लेंथ अगर सेम है तो दैट इज नथिंग बट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा तो कॉपर से, तो इसमें कोरोना पावर लॉसेज क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से हम एल्यूमिनियम की ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन के मटेरियल तौर पर हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। हाँ, इसकी कंडक्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी से हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें इसकी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखा हूँ, नेक्स्ट लाइन आई कैन बी रिटन। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, दैट इज सिल्वर सिल्वर, इसको हम लोग सिंबल होता है एजी, एंड गोल्ड जिसका सिंबल होता है दैट इज ई। आर नॉट प्रेफर्ड
or not preferred. Are not preferred for the transmission line, for the transmission line conductor material. Conductor material because they are very costly material. Costly conducting material. कंडक्टिविटी तो अच्छी है लेकिन ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्टिंग वो ज्यादा है कंडक्टिंग मटेरियल, तो कॉस्टिंग की वजह से हम लोग सिल्वर और गोल्ड को यूज नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट. तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, कॉपर और एल्यूमिनियम. नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, फॉर मेकिंग द, अब कॉपर और एल्यूमिनियम में ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे कॉपर यूज किया जाता है ACSR, दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. ठीक है, तो फॉर मेकिंग द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर एल्यूमिनियम मतलब AL, ये जो प्रेफर्ड ओवर द कॉपर, दैट इज एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड ओवर द कॉपर. एल्यूमिनियम को हम लोग प्रेफर करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, कॉपर के नहीं बनाए जाते, बिकॉज because the aluminium because the aluminium is heavy because the aluminium is having because aluminium is having low cost, aluminium की cost कम है, low cost एज कंपेयर टू द कॉपर. एल्यूमिनियम की कॉस्ट क्या है, कम है एंड. और मैंने बताया था कि बेटा एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है और कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो कॉपर की अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका वेट ज्यादा होगा. ठीक है, एंड एंड एल्यूमिनियम इज हैविंग लाइट इन वेट, हल्का होता है, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट एज कंपेयर टू कॉपर, एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर के कंपेयर में लाइट वेट का होता है. ठीक है, देख रहा हूं एल्यूमिनियम का वेट कम कम होता है. एल्यूमिनियम इज हैविंग लाइट इन वेट बिकॉज इट हैज लो डेंसिटी एज कंपेयर टू कॉपर डेंसिटी. कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, जिसको हल्का होता है. और जनरली हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, ACSR. तो नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, इन जनरल ACSR कंडक्टर, इन जनरल ACSR conductor is used
फॉर द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। जनरली ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के तौर पे हम लोग ACSR कंडक्टर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म तुमको मालूम है, दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, या फिर इसको मैंने ये भी बोला था स्टील रेनफोर्स स्टील रेनफोर्स्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम कंडक्टर ACSR कंडक्टर में जो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होते हैं, एल्यूमिनियम के जो कंडक्टर लिखे हैं, ये एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टिविटी। तो लिख रहा हूं एल्यूमिनियम इज यूज फॉर कंडक्टिविटी और बेटा स्टील यूज किया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो लिख रहा हूं स्टील इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसका जो है, अगर आप वन लेयर का बनाना चाहें तो जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है वो तो स्टील का बना होता है, और ये जो पहले लेयर में जो स्ट्रैंड होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे। दिस इज स्टील, ये रेड कलर से मैंने बनाया है, ये स्टील का कोर है और ये एल्यूमिनियम की स्ट्रैंड है, ए लेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन लेयर ACSR कंडक्टर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन लेयर ACSR कंडक्टर। ये आप पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए लिखे दे रहा हूं केवल, ठीक है, कि आपके नोट्स कंप्लीट रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। एक किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, और करेक्टर को देख के बता सकते हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन हमारी अच्छी होगी खराब। जैसे मान लीजिए आपके बारे में अगर किसी को जानना है तो आपको वो करेक्टर सर्टिफिकेट देखेगा। बोला जाता है ना, किसी भी नौकरी में जाते हैं कि आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाना है। उस सर्टिफिकेट में अच्छा लिखा होता है तो मतलब आपका जो है बिहेवियर ऐसे करेक्टर अच्छा है, उसमें लिखा होता है कि इनके ऊपर FIR दर्ज है तो इसका मतलब आपका करेक्टर खराब है, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर। तो जनरली जो है, अगर आप जो है ट्रांसमिशन लाइन की करेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं, और करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि उसके अंदर किसी उन पैरामीटर को देख के ट्रांसमिशन लाइन के करेक्टर को बताया जा सकता है, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन अच्छी होगी कि बुरी होगी, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के करेक्टर को बताने के लिए दो चीजें होती हैं। पहला तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, और अगर ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा होनी है तो उसका मतलब उसमें लॉसेज कैसे होने चाहिए, कम से कम जितने लॉस कम होंगे उतनी ज्यादा आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी होगी। क्योंकि तो जब आप पावर को सेंडिंग से भेजते हैं, अगर उसमें से मोस्ट ऑफ द पावर लॉस में चली जाएगी तो ट्रांसफर कितनी पावर होगी, कम होगी। लॉस कम होगा तो पावर ज्यादा ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो जनरली आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन से जो आपका पावर लॉस एसोसिएट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। अगर पावर लॉस उसमें कम होगा तो दैट इज नथिंग, मतलब उसकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, वोल्टेज में जो चेंज होगा, नो लोड से जब आप फुल लोड में लेके आएंगे अपनी ट्रांसमिशन लाइन को तो रिसीविंग वोल्टेज में चेंज मिलेगा। रिसीविंग वोल्टेज में कितना चेंज आएगा, जितना ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ड्रॉप होगा,
ये जो चेंज होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वोल्टेज में फ्लक्चुएशन जाता होगा नो लोड से फुल लोड में, तो आपके लोड के डैमेज होने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, किसी अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कैरेक्टर देखे जाते हैं, या फिर एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कम होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, पहला लिख रहा हूं, एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ले, पहला पॉइंट है पावर लॉस इन दी ट्रांसमिशन लाइन इज एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम से कम पावर लॉस होगा उतना अच्छा। और अगर बेटा ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम होगा तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है उसकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा होगी, दैट इज इफिशिएंसी, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज हाई, एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब उसमें लॉसेज कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, चलो, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। हेलो, ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इनपुट पावर का मतलब क्या होगा, सेंडिंग एंड से जो पावर भेजा वो इनपुट पावर होगी। ये जो पावर यहाँ से चली है ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड, तो सेंडिंग एंड पावर इज नथिंग बट द योर इनपुट पावर। और बेटा ट्रांसमिशन लाइन ने यहाँ पर पावर भेज दिया तो रिसीविंग एंड पावर इज नथिंग बट द आउटपुट पावर। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो इनपुट पावर, अगर मैं पूछूं कि इनपुट पावर क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन की, तो सेंडिंग एंड पावर इज नथिंग बट द इनपुट पावर, एंड रिसीविंग इन पावर जो पावर यहाँ पर पहुंचेगी लास्ट में पहुंचेगी वही आपकी आउटपुट पावर होगी। आउटपुट पावर का मतलब रिसीविंग इन पावर, क्योंकि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का एंडिंग पॉइंट है वो रिसीविंग इन और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेंडिंग इन है। तो जो पावर सेंडिंग इन से चलेगी वो इनपुट पावर होगी, और जो बेटा पावर रिसीविंग इन पे पहुंचेगी दैट इज कॉल्ड आउटपुट पावर। ठीक है, तो कभी भी मैं ट्रांसमिशन लाइन में आउटपुट पावर बोलूं, ठीक है, और इफिशियंसी निकालने का मतलब होता है एक्टिव पावर से। ठीक है, इफिशियंसी निकालते समय हम लोग एक्टिव पावर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं बता रहा हूँ, एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। आइडियली कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में कम से कम होना चाहिए। और अगर लॉसेज कम होंगे तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा होगी। फार्मूला रख लो बेटा, ट्रांसमिशन इफिशियंसी इफिशियंसी को आप मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी तो मीटर टी का मतलब है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा दैट इज आउटपुट पावर। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, दैट इज आउटपुट एक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी नथिंग बट द आउटपुट एक्टिव पावर, आउटपुट एक्टिव पावर, वैसे आउटपुट पावर होता है लेकिन हमेशा एक्टिव पावर जो है इफिशिएंसी निकाल देना, आउटपुट एक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर ऑफ एक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अब यहां पर हम बात करते हैं जो आउटपुट एक्टिव पावर होती है, ट्रांसमिशन लाइन की जो आउटपुट एक्टिव पावर होगी, ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट पे जो पावर होगी वो कौन सी पावर, रिसीविंग एंड पावर, क्योंकि जो पावर आउटपुट पे पहुंचेगी वही रिसीविंग एंड पे पावर पहुंचेगी। तो दैट इज नथिंग बट द
आउटपुट एक्टिव पावर जो होती है दैट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, जिसको मैं पी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्टिव पावर है पी और रिसीविंग की पावर इज नथिंग बट आउटपुट पावर। और बेटा इनपुट पावर क्या होगी? सेंडिंग इन पावर, सेंडिंग इन एक्टिव पावर। ठीक है, अब ये बताइए जो इनपुट पावर है उसके दो पार्ट होंगे। जो भी आप पावर इनपुट से भेजेंगे उसमें से कुछ पावर लॉस में चला जाएगा और बाकी पावर कहां पर पहुंचेगी? आउटपुट में। तो दैट इज सेंडिंग इन पावर को दो पार्ट में देख सकते हैं, रिसीविंग इन पावर प्लस लॉसेज। तो इसी फार्मूले को मैं आगे तब तोड़ मरोड़ सकते हैं, दैट इज आउटपुट पावर, आउटपुट एक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जो कि कौन सी पावर? रिसीविंग पावर डिवाइडेड इनपुट पावर, दो कंपोनेंट होंगे आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। दैट इज इनपुट पावर को लिख रहा हूं आउटपुट, एक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जो कि रिसीविंग इन पावर हो प्लस आपका क्या हो जाएगा लॉसेज। मैंने बोला कि एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज होने चाहिए वो कम से कम होने चाहिए। लॉसेज अगर बेटा कम होंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बेटा अगर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा हो, वही मैंने लिखा भी था, ट्रांसमिशन इफिशियंसी, जिसको कि मैं नीटा टी से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसको कि मैं नीटा टी से। तो अगर बेटा आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज कम होंगे तो डिनोमिनेटर कम होगा, और डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो आपको वही लिखा कि किसी एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज कम होने चाहिए। लॉसेज कम होने का मतलब है कि दैट इज आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो पहला जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन अच्छी है कौन सी बुरी है, तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होना चाहिए वो कम से कम होने, एज मिनिमम एज पॉसिबल। आइडियल कंडीशन में तो जीरो होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में कुछ ना कुछ होगा। अगर पावर लॉस कम होगा तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो पैरामीटर है करेक्टर को समझने के लिए दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन भी कम से कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट डालिए। ठीक है, चलो पहले वोल्टेज रेगुलेशन समझ लेते हैं। जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे, कहां से? नो लोड से फुल लोड पे लेके आएंगे, तो जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा जरा, मैं समझाता हूँ। पहले मैं ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन में लिए हुए, मेरी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन में है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे तो रिसीविंग वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बेटा रिसीविंग में जितनी कमी आएगी नो लोड से फुल लोड में, वो कमी ही आपकी कहलाती है वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर वोल्टेज में चेंज, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। और ये अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, ठीक है, नो लोड से फुल लोड में, तो आपका जो है लोड के डैमेज होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं बात करूं नो लोड कंडीशन पे, आपकी जो ट्रांसमिशन है नो लोड, नो लोड का मतलब कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया। ठीक है, पहले हम बात करें नो लोड कंडीशन। ट्रांसमिशन लाइन मेरी नो लोड कंडीशन में, ठीक है, चलो देखिए था ट्रांसमिशन, ये सेंडिंग एंड है, ठीक है, ये आपकी ट्रांसमिशन है, ये इनपुट साइड है जिसको सेंडिंग एंड बोलेंगे, और ये आपका आउटपुट साइड है जिसको मैं रिसीविंग बोलेंगे, यहाँ कंज्यूमर कनेक्ट होगा, और बीच में ये ट्रांसमिशन है। जैसे जो ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन लाइन है, जब मैं इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊंगा तो आपके चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कंसीडर करूंगा, आर एल सी एंड डी। और ये चारों चारों जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होंगे। ठीक है, चलो
यहां से ट्रांसमिशन लाइन में आप पावर भेजेंगे, जिसको हम सेंडिंग इन पावर बोलेंगे, और यहाँ पावर को रिसीव करना, जिसको रिसीविंग पावर बोलेंगे, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन, दिस इज योर सेंडिंग इन, और ये आपका कौन सा वन इन है, रिसीविंग इन, रिसीविंग इन, ठीक है। सेंडिंग इन वोल्टेज को हम वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंडिंग इन करंट को हम लोग आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर लगा के मतलब फेजर पार्ट दिया। रिसीविंग इन वोल्टेज को हम लोग वीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसीविंग इन करंट को हम लोग आईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नो लोड के समय, हेलो, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन टेस्ट करने, नो लोड, नो लोड के समय आपने यहां पर कोई भी लोड नहीं करा, मतलब ये ओपन है। नो लोड के समय क्या रिसीविंग, अगर यहां पर कोई लोड नहीं लगा, हेलो, अगर लोड नहीं लगा तो क्या यहां पर कोई करंट फ्लो करेगा क्या? कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो नो लोड कंडीशन में कोई भी करंट रिसीविंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, रिसीविंग एंड में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा तो सेंडिंग एंड में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका कितना है, 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट, ठीक है। नो लोड कंडीशन में ध्यान है, देखिए सेंडिंग इन वोल्टेज मान लीजिए 230 वोल्ट है, ठीक है, 230 वोल्ट की सप्लाई घर में आती है, तो ऐसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज आपने 230 वोल्टेज का मेंटेन कर रखा है, नो लोड कंडीशन में अगर यहाँ कोई भी लोड नहीं लगा, ये ओपन सर्किट है, तो रिसीविंग में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ट्रांसमिशन लाइन में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और सेंडिंग इन में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। और अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो जितना सेंडिंग इन वोल्टेज होगा उतना ही रिसीविंग इन वोल्टेज होगा। तो नो लोड कंडीशन में, हेलो, नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होता, तो जितना सेंडिंग इन वोल्टेज होगा उतना रिसीविंग इन वोल्टेज होगा। तो इस समय नो लोड कंडीशन में अगर सेंडिंग इन वोल्टेज 230 है तो लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज भी कितना आ जाएगा, 230 वोल्ट है, दिस इज नथिंग बट द 230 वोल्ट, ठीक है। चलो अब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड कंडीशन में, मतलब फुल लोड का मतलब लोड को लगाना, अब मैं लोड को लगा रहा हूँ, जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन को आप नो लोड से फुल लोड में आएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो बेटा जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। और रिसीविंग इन वोल्टेज पहले से कम होने का मतलब नो लोड से जब फुल लोड में लेके आएंगे तो लाइन में ड्रॉप होगा, लाइन में ड्रॉप होने की वजह से रिसीविंग वोल्टेज आपका जो है क्या हो जाएगा, नो लोड से जब फुल लोड में है तो रिसीविंग वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगा। चलो मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को फुल लोड कंडीशन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, दैट इज सेकेंड इज एट फुल लोड कंडीशन। फुल लोड का मतलब लोड लगा देना, फुल लोड कंडीशन, ट्रांसमिशन लाइन को अब आप फुल लोड कंडीशन में लेके आते, चलो आते हैं आते से जो ट्रांसमिशन लाइन, ये आपकी ट्रांसमिशन, ठीक है, दिस इज योर ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन लाइन के जो मॉडल बनाएंगे तो दैट इज नथिंग बट हम लोग चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करेंगे, यूज करेंगे इसकी मॉडलिंग में, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग में फोर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं, आर एल सी एंड डी, ठीक है। ये सेंडिंग एंड साइड, सेंडिंग एंड वोल्टेज को यस, सेंडिंग एंड करंट को आई एस, रिसीविंग इन वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आर से, और रिसीविंग इन करेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई आर से, ठीक है। चलो लोड लगा रहे हैं, फुल लोड का मतलब है कि आपने लोड को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आप बेटा लोड को कनेक्ट करेंगे
ट्रांसमिशन एंड दिस इज द लोड, ठीक है, दिस इज द लोड, ठीक है। जैसे ही आप लोड को यहां पर कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कंप्लीट है, क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आपका सर्किट कंप्लीट है, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। वोल्टेज की वजह से सर्किट कंप्लीट है, करंट आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द करंट। तो जैसे ही बेटा ट्रांसमिशन लाइन में लोड कनेक्ट करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो रिसीविंग इन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, रिसीविंग इन में करंट फ्लो करेगा। इस बार पिछली बार रिसीविंग इन ओपन था तो करंट फ्लो नहीं किया था, लेकिन इस बार रिसीविंग इन में कितना करंट फ्लो करेगा, आएगा। और अगर रिसीविंग इन में करंट फ्लो करेगा तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में भी करंट फ्लो करेगा और बेटा सेंडिंग इन में भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 230 वोल्ट था सेंडिंग इन वोल्टेज, 230 मेंटेन। जैसे ही आपने ट्रांसमिशन लाइन को लोडेड कंडीशन में लेके आए, लोडेड कंडीशन में लेके आएंगे तो आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रांसमिशन लाइन को लोडेड कंडीशन में लेके आए तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। इस करंट की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ड्रॉप होगा। इस बार ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज अ वोल्टेज ड्रॉप अकर। जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन को फुल लोड, नो लोड पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप फुल लोड पे लेके आएंगे, नो लोड से फुल लोड पे ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप एच अपर अक्रॉस द ट्रांसमिशन। मान लेते हैं ट्रांसमिशन वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मान लेते हैं 5 वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा तो रिसीविंग इन वोल्टेज 230 में से 5 यहां ड्रॉप हो जाएगा, तो रिसीविंग इन में कितना वोल्टेज पहुंचेगा, 225 वोल्ट। कितना, 225 वोल्ट। ध्यान से देखिए अब जरा, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन में थी, नो लोड से जैसे ही आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को फुल लोड पे लेके आए, कितना, नो लोड से फुल लोड में लेके आए, तो क्या रिसीविंग इन वोल्टेज चेंज हो गया, क्या रिसीविंग वोल्टेज कम हो गया, रिसीविंग इन वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो बेटा जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके, तो जब नो लोड में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फुल लोड में लेके ट्रांसमिशन लाइन पे करंट फ्लो करेगा, ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से दैट इज आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज देयर इज चेंज इन द रिसीविंग इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। सेंडिंग इन में देखो कोई वोल्टेज में चेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे तो जो रिसीविंग इन वोल्टेज वो कम हो जाएगा, क्योंकि लाइन में क्या एसोसिएट होगा, ड्रॉप एसोसिएट होगा। अगर रिसीविंग इन वोल्टेज कम हो जाएगा तो दिक्कत क्या है, आपको मैंने बताया था कि लोड की जो पावर की डिमांड होती है, जैसे पंखा होता है, पंखा मान लीजिए आपका 1 किलोवाट का, तो पावर की डिमांड तो हमेशा फिक्स होती है, उसको 1 ही किलोवाट पावर चाहिए, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द, यहां मैं लिख रहा हूँ, किसी भी लोड की दो चीजें फिक्स होती है। अगर मैं एक्टिव पावर के बारे में बात करूं, लोड की जो एक्टिव पावर होगी दैट इज फार्मूला क्या होगा, VI cos phi, ठीक है। मान लो लोड को रेटेड वोल्टेज 230 वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो पहले आपने देखा जब नो लोड पे लाइन थी तो 230 वोल्टेज आ रहा था, क्योंकि तो कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपने लाइन में फिर ट्रांसमिशन लाइन लोड को कनेक्ट किया, इमीडिएटली आपका जो है लाइन में क्या फ्लो करेगा, करंट, जिसकी वजह से लाइन में ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से रिसीविंग वोल्टेज रेटेड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लोड की जो पावर की डिमांड होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, जैसे पंखा है, पंखा हमेशा जब भी चलेगा तो जितना उसकी पावर नेम प्लेट में लिखते हो कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट उतनी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। दूसरा, रेटेड वोल्टेज पे हमेशा जो है जो मशीन होती है वो रेटेड करंट ड्रॉ करेगी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड, अच्छा पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, लोड का पावर फैक्टर आप देखेंगे, जैसे पंखा है आपके घर में, उसमें लिखा होगा उसका पावर फैक्टर, ये भी फिक्स होता है। अब जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड पे लेके आएंगे, नो लोड से जब आप फुल लोड पे लेके आएंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो रेटेड, पहले तो रेटेड वोल्टेज है, लेकिन जैसे ही फुल लोड पे लेके आएंगे वोल्टेज की वैल्यू रेटेड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर वोल्टेज की वैल्यू रेटेड से कम है, ये जो प्रोडक्ट है ये तो फिक्स आ रहा है, तो वोल्टेज अगर कम होगा तो आपकी जो मशीन होगी वो रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। अगर मशीन रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेगी तो आपकी जो मशीन है वो क्या हो जाएगी, उसमें हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट बढ़ने से आपकी जो मशीन है उसकी वाइंडिंग क्या हो सकती है, बर्न आउट हो सकती है। अगर आपका जो है जब आप जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे तो जो वोल्टेज है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वोल्टेज में जो ये जो कमी आ रही है, अगर ये ज्यादा कमी है, वोल्टेज बहुत कम हो गया, तो
तो दैट इज वोल्टेज अगर बहुत कम होगा, पावर की डिमांड फिक्स है, तो आपकी जो मशीन है वो रेटेड से बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करने पर आपकी मशीन इमीडिएटली क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन को जब भी नो लोड से फुल लोड में आएगा तो वोल्टेज में चेंज आएगा, लेकिन ये जो चेंज आना चाहिए वोल्टेज में, रिसीविंग वोल्टेज में चेंज आएगा, वो कम से कम होना चाहिए। जितना चेंज कम से कम होगा उतना ही करंट में बढ़ोतरी भी कम होगी। करंट में बढ़ोतरी कम होगी तो आपके लोड के डैमेज होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। इसी चीज को बोल रहे हैं रेगुलेशन। तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को जब भी नो लोड से फुल लोड में है तो वोल्टेज ड्रॉप तो जरूर होगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर वो जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है नो लोड से फुल लोड में, कम से कम होना चाहिए। प्रैक्टिकल कंडीशन में तो वोल्टेज में जो चेंज है, या फिर जिसको हम वोल्टेज रेगुलेशन बोल रहे हैं, वो तो जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियल कंडीशन में। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को मैंने फिगर से आपको समझाया है कि एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज में जो चेंज है वो कम से कम होना चाहिए। तो लिखिए जरा, द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ देखा जाता है, रिसीविंग एंड में देखा जाता है, रिसीविंग एंड में। द वोल्टेज रेगुलेशन इसको बोल रहे हैं वोल्टेज में चेंज, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज चेंज, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन रिसीविंग इन वोल्टेज, इन दी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन एज मिनिमम एज पॉसिबल, कम से कम होना चाहिए। जब अभी आप ट्रांसमिशन लाइन नो लोड से फुल लोड पे आएंगे तो रिसीविंग वोल्टेज में चेंज मिलेगा, लेकिन ये जो चेंज होना चाहिए नो लोड से फुल लोड में, वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दो पैरामीटर हम लोग देखेंगे जब भी मुझे कभी भी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को क्या करना होगा, उसके करेक्टर को देखना होगा। एक तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, दूसरा रेगुलेशन कितना, रेगुलेशन भी कम से कम होना चाहिए, और आपका जो है लॉसेज कैसे होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, फिर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की जब हम मॉडलिंग करेंगे तो चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं। चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या क्या होते हैं और क्यों लिए जाते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। जब भी मैं ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करूंगा तो चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लूंगा, आर एल सी डी। आर क्यों लिया जाता है, एल क्यों लिया जाता है, सी क्यों लिया जाता है, जी क्यों लिया जाता है, और ये क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ठीक है, इसको कल करते हैं क्योंकि पूरे ये टॉपिक आपको एक ही साथ पढ़ाऊंगा, चारों चारों पैरामीटर। ठीक है, इसको कल करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन की जब मॉडलिंग करेंगे तो कहां पर रेजिस्टेंस पैरामीटर कैसा पैरामीटर होगा, सीरीज में लगा होगा कि शंट में लगा होगा, कैपेसिटेंस कैसा पैरामीटर होगा, सीरीज में लगा होगा कि शंट में लगा होगा, इंडक्टेंस कैसा पैरामीटर होगा और कंडक्टेंस कैसा पैरामीटर होगा, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। लीव कर सकते हैं मीटिंग का।